अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां जी, पंजाब पाकिस्तान से। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ आ रहा हूं। जैसा कि हमने पहले जो है ढाका की काफ़ी सिटीज को देखा, काफ़ी रोड्स को देखा, और इसके अलावा इंडियन के शहर को देखा, तुर्की को देखा, काफ़ी मुल्कों को देखा, काफ़ी को विजिट कर चुके हैं। तो ऐसे ही हम पाकिस्तान का भी रोड व्यू करेंगे। पाकिस्तान का शहर, शहर कराची का रोशनियों का शहर है, और कराची में जैसा कि आपको पता ही है बिजनेसमैन वहाँ पर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर होती है, बोट्स वहाँ पर हैं, और बहुत ही सरमाए वाला शहर है पाकिस्तान का। सबसे बड़ी बात यह है कि वो समुंदर के किनारे पर वाक़ है। तो वहाँ का व्यू देखते हैं, वहाँ के रोड्स व्यू कैसे हैं, वहाँ के इलाके कैसे हैं, वहाँ के रोड्स खुले हैं नहीं हैं, ढाका कितना, वहाँ के लोग, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा रोड्स साफ़ सुथरे हैं या नहीं हैं, रोड्स खुले हैं या नहीं हैं, रात का व्यू कैसा है, दिन का व्यू कैसा है, और लोग किस तरह जो है ट्रैफिक वहाँ पर जाते हैं, ट्रैफिक जाम तो नहीं रहती, और रोड्स किस तरह के हैं। तो अभी तो ये वीडियो देखेंगे तो फिर पता चलेगा हमें कराची के रोड्स किस तरह के हैं। जैसा कि आपने मेरी बाकी वीडियोस को बहुत पसंद किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी मेरी बहुत पसंद आने वाली है। तो अभी वीडियो तो चलते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं कराची का स्ट्रीट व्यू कैसा है, और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगी, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। सो गाइस, लेट्स प्ले द वीडियो। कराची सिटी स्ट्रीट व्यू, ओके, खूबसूरत, माशाल्लाह। ये खूबसूरत सा गोल चक्कर है जहाँ से व्यू स्टार्ट हुआ है, और ये कराची की सड़कें आ गई हैं जी भाई। लोग उर्दू स्पीकिंग लोग यहाँ पर रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग, और ये आप चेक करें, अंडरपास चेक करें, नाजमाबाद वाला ये अंडरपास है, ये कौन सा अंडरपास है मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि मैंने कराची विजिट नहीं किया हुआ। तो भाई ये खूबसूरत सा अंडरपास है, और क्या अंडरपास जा रहा है, और क्या लाइटिंग है, इसको कहते हैं खूबसूरत सी रोडें पाकिस्तान की, अंडरपास ज़बरदस्त। और ये गाड़ियाँ जा रही हैं भाई, होंडा जा रही है, करोला जा रही है, ज़बरदस्त काम चेक के रखे हुआ है। ए मोटरसाइकिल जा रहे हैं, अजे तक तो रूल फॉलो किया हुआ है, अगे वेखने की कर रहे हैं। हेलो जी, फिर कैरी डब्बा भी लंघ चला कोलों साढ़े। बिल्डिंगा चेक करो, उची उचिया बिल्डिंगा तो मुझे नज़र आ रही हैं, तो ढाका तरह खूबसूरत गड़िया साइड से पार्क की हुई हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ट्रैफिक में जाम करता है। एक और अंडरपास आया जी, लो जी फिर अंडरपास के अंदर एंट्रेंस हो गई है, तो हम लंघते जा रहे हैं अंडरपास थलों नहीं ऑन द वे। हेलो जी, अंडरपास शुरू हो गया, लाइटा खूबसूरत ने, व्यू अच्छे आ रहे हैं, ऐ जा रहे हैं जी, ऐ जा रहे हैं जी, कैरी डब्बा अगे लगा हुआ है। ये अंडरपास के ऊपर से यू टर्न लेके भाई वापसी की तरफ रवाना होंगे। ये आ गया जी यू टर्न, ऊपर से व्यू है ये अंडरपास के, और बिल्डिंग चेक करें आप बस। और ये भाई ने यू टर्न लिया, और ये नाइट का व्यू है, नाइट का व्यू तो आपको पता वैसे ही फिर बड़ा खूबसूरत लगता है अपने भाई को। तो ये अब जा रहे हैं, और ये आगे विड्स लगी हुई है ब्लैक कलर की, और ये विड्स वाला आगे आ गया है। यहाँ पर आगे रोड थोड़ा छोटा नहीं है, ये जो घूम के आए अंडरपास की वजह से रोड इस तरह लगा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रोड है। अब ये देखें डबल रोड हो गया, रोड बड़ा हो गया, इसको कहते हैं छोटे से बड़ा कर देना रोड को। भाई लोग यहाँ पे भी हेलमेट पहने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग बिल्कुल ही रूल की धज्जियाँ उड़ाते हैं, रूल को फॉलो भी करते हैं। और ये भाई देखा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, अंडरपास आ गया, और इधर उधर जाने के चक्करों में भाई ने रस्ते में ब्रेक लगा दी। खूबसूरत, ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ये बारिश का सड़कें जो गीली हैं, और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है इसके ऊपर भी। ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं और बिल्डिंग साइड पे, और ये देखिए रोड के अंदर ब्रिज,
और खूबसूरत ब्रिज, बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज और खूबसूरत ब्रिज। और ये भाई टर्न ले रहे हैं, आप भाई ने टर्न ले लिए हैं और ये डाला आगे लगा हुआ है खूबसूरत सा ब्लैक कलर का, जो कि पसंद आ गया, दिल करा ले लें हम। और ये देखें जी, साइड पे ट्रैफिक सारी खड़ी की हुई है, जो ट्रैफिक ब्लॉक करने का जरिया बनती है, जो कोई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। और आगे ट्रैफिक जाम, जिसका डर था वही हो गया ना फिर। अब यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी जैम है और स्लो स्लो जा रही है। सारी देखे आप रोडों का, दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ पार्क है, टुक टुक लगे हुए हैं और ट्रैफिक जाम होने का सिलसिला ही सारा यहीं से बनता है। ये गलत है थोड़ा सा, जैसे मैंने बांग्लादेश में देखा, उन्होंने एक सेपरेट लाइन की हुई है पार्किंग के लिए और रोड को थोड़ा खुला कर लिया हुआ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये यहाँ पे रोड तो खुला है, नो डाउट ट्रैफिक जाम नहीं हो सकती, लेकिन ये जो साइड पे पार्क कर देते हैं ना, तो इसकी वजह से बंदा जाम में फंस जाता है कि यार मैं निकलूँ कहाँ से, एक बाइक वाला भी नहीं निकल सकता बेचारा। ये रात का व्यू है, अभी मार्केट्स वगैरह बंद हैं, मेरा ख्याल है लेट नाइट भाई जो है वो ज़रा सफ़र कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी ये है कि व्यू बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, रोड अच्छे नज़र आ रहे हैं, सफाई का निज़ाम आपके सामने है, साफ़ सुथरी रोड्स हैं, कोई मसला नहीं है। और लाहौर की सड़कों से तो आपका भाई वाकफ़ है, कराची की सड़कों से वाकफ़ नहीं है, नहीं तो आपको भाई बताता ये नाजमाबाद है, ये चुरंगी है, ये फलाना चौंक है और पता नहीं है तो। लेकिन खैर व्यूज़ अच्छे हैं, हम व्यूज़ देखते हैं। सारे कराची के भैया उर्दू स्पीकिंग, अरे भाई किधर जा रहे है, अरे 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 करते रहते हैं, खैर भाई हैं हमारे। और ये आप चेक करें कितनी ग्रीनरी है, ट्रीज, ये ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा गया पाकिस्तान में, ये मैं कहूँगा रोड्स को बहुत साफ़ सुथरा और ग्रीनरी का ख्याल रखा गया। ये चेक करें आप, रोड खुला रोड है और आराम से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। ये अगेन अंडरपास आ गया आई थिंक सो, और यस आई एम नॉट रॉन्ग, अंडरपास आ गया, अंडरपास भी बनाया हुआ है ताकि सिग्नल फ्री रोड मिले, बंदा दस्ती पहुंचे शू, वहीं पर रुकने की ज़रूरत नहीं है और बंदा इजीली निकल सकता है। ये अंडरपास नहीं है, सॉरी ब्रिज चल रहा है साथ में, मिस्टेक होगी, ये ब्रिज है जी, ये कोई ब्रिज है और अंडरपास नहीं था। तो ब्रिजेस बनाए हुए हैं, अंडरपास बनाए हुए हैं, सिग्नल फ्री रोड बनाए हुए हैं ताकि बंदा जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वो आगे टुक टुक जा रहा है खूबसूरत सा। जबरदस्त व्यू भाई, जबरदस्त। एम्बुलेंस भी जा रही है और उसको रास्ता मिल रहा है, इजीली जा रही है, कोई इशू नहीं है। तो ये चेक करें यू टर्न के लिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, ये ग्रीनरी ऊपर से की होती है, ऊपर ब्रिज है जा रहा है, साइड से पूरे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो ज़बरदस्त व्यू आता है और दिल खुश हो जाता है बंदे का। ये येलो पट्टी के साथ रोड बनाया हुआ है ताकि गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाए तो आप उसको ईजीली वहाँ पर पार्क कर सकें और कॉल छोल करके जो है अपनी हेल्पलाइन पे, तो फिर इजीली मूव कर सके वहाँ से। अच्छा निज़ाम है भाई, अच्छा निज़ाम है, कराची के रोड है भाई, कोई मजाक नहीं है। ये अंडरपास में टाइम लैप कितना भाई, शूटर में ही जाते हुए और अच्छा व्यू आया एक। बिल्डिंग्स काफ़ी खूबसूरत हैं, लाइटिंग शाइटिंग है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बांग्लादेश में तो आप लाइन से ही बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं, यहाँ पे ज़रा लाइन से नहीं है पर बिल्डिंग्स आपको मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे भी बिल्डिंग वालों ने वहाँ पे पाबंदी लगा दी है बिल्डिंग इंडोर पे, ज़्यादा से आप बिल्डिंग नहीं बना सकते ड्यू टू रीज़न सम, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वाट आई मीन। और ये देखें ये बिल्कुल रोड ढाका की तरह लग रहा है, यहाँ पे भी ये देखें ऑफिसेज बिल्डिंग साथ साथ और ज़बरदस्त से, बिल्कुल मुझे मीरपुर रोड याद आ गया ढाका का, और खूबसूरत।
और कितना देखें साफ रोड है और कितना ही सफाई का ख्याल है। रात के इतने बज रहे हैं और रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इजीली भाई जा रहे हैं, क्या बात है भाई। ये सामने क्या है जी, बैंक आ गया है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है उसके पास से गुजर रहे हैं भाई। देखें जी, अब हमारा मुल्क है तो हमें तो बैंकिंग का पता चल जाएगा ना कौन सा बैंक है भाई। और ये सुजुकी का जो है शोरूम गुजरा है और क्या टाइम लैप डाला है भाई ने रोड के ऊपर, ये ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और गाड़ियां शूटम शू जा रही हैं। और खैर साइन बोर्ड लगे हुए थे ये कौन से रोड पे आपने जाना उस पर चले जाओ, उधर जाना तो उधर चले जाओ, ब्रिज पे चढ़ना तो ब्रिज पे चढ़ जाओ, आप काफ़ी हेल्पफुल होते हैं भाई। ये पेट्रोल पंप पीएसओ का गुजरे हैं और ये आई थिंक सो शेल का था पेट्रोल पंप और हम गुजर चुके हैं पेट्रोल पंप्स को, पेट्रोल बाइक का फुल है और इसलिए भाई उड़ते जा रहे हैं। ये मैकडोनल्ड भी आ गया है, खाना पीना नहीं यार, ब्रेक ला रहा था बंदा, रोटी रोटी खा रहा था, चलो मर्जी है थोड़ी हूँ। ये बसें लारियाँ शारियाँ भी जा रही हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू, टुक टुक भी चल रहे हैं, क्या टाइम लैप डाला है भाई ने, मज़ा आ गया। करोला वाला ब्रेक ही नहीं ला रहा, उल्ला ही ब्रेक उन्हें। ये फिर साइन बोर्ड आ गए, जाहिर सी बात है डिफरेंट वेज को डिफरेंट रोड जाती हैं तो साइन बोर्ड तो आएंगे ही ना। वीडियो ये थी मेरी कराची का, हमने स्ट्रीट व्यू देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो कराची शहर वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पे और उधर के जो लोग हैं वो तो वैसे ही बहुत मीठे हैं क्योंकि वो उर्दू बोलते हैं स्पेशली, और व्यू बहुत खूबसूरत है। ये देख के मुझे ढाका का शहर याद आ गया, बांग्लादेश का शहर ढाका याद आ गया। ढाका भी इस तरह बहुत ही खूबसूरत है, अच्छे रोड, नीट एंड क्लीन रोड। इसी तरह पाकिस्तान के कराची के भी ये खूबसूरत और अच्छे नीट एंड क्लीन रोड, डिफरेंट अंडर पासिस, ऊपर ब्रिजेस, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड्स और लॉ का भी ख्याल रखा गया। लॉ तोड़ते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़ते, लेकिन मुझे अभी लोग नज़र आए जिन्होंने लॉ का ख्याल रखा, शायद लोरिए ही हैं जो लॉ को फॉलो ही नहीं करते। और जब देखो मुँह चुका मोटरसाइकिल कड़ी चल भाई इधर चल भाई उधर, कोई हेलमेट नहीं, कोई शेलमेट नहीं, पुलिस वाला रोकता है खड़ो जो और चल निकल, तुम किधर आया, चलो जी निकल चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सेफ्टी अपना ही ख्याल रखना, हेलमेट पाओ तो मोजा अड़ाओ, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, मिल जाता है आपको इजीली। तो आप अपना इतनी महंगी बाइक ले लेते हैं तो हेलमेट भी ले लिया करें। तो भाई रोड की बात कीजिए, रोड बहुत ज़बरदस्त था, हेलमेट की तो हम बात नहीं करने हैं, हम तो बात करने हैं रोड की। तो रोड अच्छा था, खूबसूरत था और बहुत ही प्यारा था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने ये मुझे कमेंट करके बताना है। पूरी उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्या करूँ क्लिक कर लेगा आपको मिल रहे। इसी के साथ मियाँ जी को ज़्यादा देर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।